राम राम दोस्तों। सुबह सुबह देखिए हर तरफ इतना प्यारा मौसम है और इतना ही चिड़ियों का गूंज है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो दोस्तों आज मैं पूरा दिन क्या क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ आप लोगों से शेयर करूँगी। जितना हो सके आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। तो दोस्तों इतना सुबह सुबह मतलब कोई भी नहीं उठे हमारे घर में और अब मैं अकेली जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। पतिदेव पहले जाते थे मेरे साथ लेकिन आजकल वो उठते ही नहीं। और इधर देखिए कितना ज़्यादा गुलाब का फूल खिला है, वाव बहुत ही मज़ा आया। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएफ व्लॉग। मैं गीता आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ दिल से। तो इतना ज़ोर से बोलती हूँ ना मैं थक जाती हूँ। दोस्तों आज फिर से फ्राइडे है और आज का मौसम देखिए बहुत ही प्यारा है। अभी तक धूप नहीं निकला है। आज मैं फिर से बहुत जल्दी उठी हूँ, तो लगभग 5 बजे उठी हूँ। उठने के बाद थोड़ी मतलब दिन से उठने का बाद है ना कैसा ही लगता है शरीर में, तो थोड़ी देर बैठ गई थी मैं बाहर। बाहर जाके बैठी थी, बैठने के बाद इधर उधर थोड़ा टहल रही थी और इधर उधर टहलने के बाद थोड़ी देर बाद मतलब मैं पानी सानी पीती हूँ ये करती हूँ, उसका बाद में फिलहाल अभी निकली हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो दोस्तों आज मौसम बहुत ही प्यारा है, धूप भी नहीं निकला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रही है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए इधर से बहुत दिन बाद मुझे दिखाई मिला है क्योंकि आजकल ये सब दिखाने को नहीं मिलता, तो बेल से मतलब हाल जोता जा रहा है। तो ये सब हमारे पुराने ज़माने के लोग करते थे लेकिन आजकल नहीं करते, आजकल तो लोग ट्रैक्टर से ही काम चला लेते हैं। तो सुबह सुबह दोस्तों मैं एक बात कह रही हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो ना उन सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं अभी मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करूँगी क्योंकि अभी मॉर्निंग वॉक करने के वक्त स्पीड मतलब चलना चाहिए और इतना धीरे धीरे चलूँगी तो नहीं होगा, तो धीरे धीरे चलने से फ़ायदा भी नहीं है और स्पीड चल चल के वीडियो नहीं हो सकता, इसीलिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इधर से एक अंकल जो है मतलब सब्जी वगैरह लेके जा रहे हैं पैदल पैदल, बहुत दूर जाने वाले हैं, ये मार्केट बहुत दूर है। तो सुबह सुबह उठ के इन लोगों को कितना कष्ट करना पड़ता है ना किसानों को, देखिए। तो दोस्तों पैदल चलते 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 मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ घर से, तो फिर से मैं यहाँ से लौट के चली जा रही हूँ। बहुत दूर आ चुकी हूँ आज और इतना जल्दी इतना दूर आ चुकी हूँ ना कि क्या ही बताओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और धूप भी नहीं है, गर्मी भी नहीं लग रही है, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से मैं रिटर्न फिर से वापस चली जाती हूँ। तो इधर से आप लोग देख सकते हो इधर से कितना दूर है और उधर से भी और बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं बहुत दूर आ गई हूँ। तो फिर यहाँ से मैं लौट के चली जाती हूँ। तो देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, फिर से देखिए और इतना दूर मुझे जाना है, तो मतलब मैं बहुत दूर आई थी। और इधर से एक गाड़ी आ रही है, देखिए कैसा धूल उड़ा के आ रही है। तो मैं पहले ही अपना मुंह वगैरह बंद कर लेती हूँ। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कितना धूल उड़ा के गई है, ये सब है ना लोग सुबह सुबह मतलब गांव में खेत करने वाले लोग हैं, ये सब मतलब सुबह सुबह सब्जी वगैरह लेके जा रहे हैं और मैं वीडियो कर रही हूँ। वो लोगों को लग रहा है कि इसे क्या हो गया, शायद वो लोग मुझे घूर घूर के देख के जाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, इतना शर्म करूँगी तो कैसे चलेगा है ना। तो धीरे धीरे मैं अभी शर्म वगैरह छोड़ने वाली हूँ। तो हाँ ऐसे लोग अगर जाते हैं कुछ नहीं कहते ना तो अच्छा ही लगता है, मतलब वीडियो बना ही लेती हूँ, लेकिन कहीं जाने के बाद
अगर मैं मोबाइल निकालना खोजूंगी और अगर कोई कुछ बोल देना तब शर्म आ जाती है मुझे। और ज़्यादातर ऐसा होता है, अरे तुम्हारा फॉलोअर्स कितना है, तुम्हारा सब्सक्राइबर कितना है, तुम्हें पैसा कितना मिलता है, अरे बाप रे, इतना ऐसा क्वेश्चन से ना मुझे और मोबाइल निकालने का ही मन नहीं करता। और मैं फिर वीडियो वगैरह बनाती ही नहीं हूँ। तो दोस्तों बहुत देर बकबक कर ली, शायद आज भी वीडियोस मेरा अगर घर का सारा काम करके दिखाओ तो आज भी शायद वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे इधर से मैं थक भी चुकी हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बाद में बातें करूँगी घर में जाके। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुँच जाती हूँ और इधर से देखिए रात को जो हवा हो रही थी ना, इतना पत्ता वगैरह गिरा है आंगन में, तो पूरा आंगन वगैरह गंदा है। और इधर से मैं आ जाती हूँ घर में, तो घर में घुस के देखती हूँ कि पतिदेव अभी तक नहीं उठे हैं। तो पतिदेव अभी तक सोए हुए हैं। तो अंधेरा था अंदर, तो मैंने लाइट जला के आप लोगों को दिखा दी है। और उसके बाद मैं बाहर में आके मेरी जो काम होता है उसमें लग जाती हूँ, क्योंकि आज है फ्राइडे और आज सब कुछ मुझे फिर से साफ सुथरा करना है। तो इधर से मैं जितना सामान होता है मैं निकाल लेती हूँ, मेरा हम लोग खाना वगैरह खाते हैं ये सब में बैठ के, तो पीढ़ा वगैरह ये टूल में हम मेरे पतिदेव हमेशा इसमें ही खाना रख के खाते हैं, तो इसीलिए ये सब मैं धो देती हूँ। तो ये सब बाहर निकाल लेती हूँ। और मैं जब काम में लगती हूँ तो पतिदेव भी उठ जाते हैं, उठ के ब्रश वगैरह करते हैं। और मैं इधर से किचन का सारा सामान बाहर निकाल के रख के आके गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा किचन वगैरह साफ़ करने से भी जैसे भी मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को तो मतलब अच्छा अच्छा वाला किचन देख देख के आप लोगों को अच्छा लगता है शायद, मेरा किचन तो इतना खूबसूरत है नहीं, तो इसीलिए शायद मेरा व्यूज़ वगैरह अभी होता नहीं है। तो पता नहीं क्यों, मतलब जिन लोगों का चीज़ वगैरह मतलब अच्छा होता है, मतलब पक्का का मकान जिनका होता है, पक्का का किचन जिनका होता है, शायद उन शायद नहीं, मैं देखती हूँ मतलब उन लोगों की ब्लॉग ही ज़्यादा मतलब व्यूज़ होता है। तो इसीलिए तो मैं क्या करूँ, मेरा तो पक्का मकान है नहीं, तो पता नहीं कब होगा मेरा नसीब में पक्का का मकान। तो इधर से मैं किचन का साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, घर वगैरह झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसका बाद लग जाती हूँ आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। तो इधर से आप लोग देख सकते हो मेरा जो फूल का पौधा है ना, वो सफ़ेद वाला, इतना खूबसूरत लगता है दिन में भी और रात में भी। रात में भी जब बाहर निकलती हूँ ना, सफ़ेद सफ़ेद फूल मतलब दिखाई देती है अंधेरा में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर से धूप हो रही थी बहुत दिनों से, और इधर से मतलब आंगन का जो है ना मिट्टी सब फट फट जाता है, फट फट के ऊपर से उठ जा रहा है, मतलब गर्मी के वजह से धूप के वजह से। तो हमारे इधर मतलब बहुत धूप होता है, हमारे इधर नहीं दोस्तों, मतलब वो गांव के अंदर है ना, उधर बहुत ज़्यादा पेड़ होता है गांव के अंदर, जैसे कि हम लोग जहाँ पहले रहते थे, मेरे देव जेठानी जहाँ रहती है अभी, तो वहाँ ना पूरा दिन में धूप नहीं लगता, तो ऐसा रहता है कि चारों तरफ पेड़ वगैरह है ना, तो इसीलिए। तो हमारे यहाँ में मतलब बड़ा बड़ा पेड़ वगैरह नहीं है और चारों ओर से धूप होता है, इसलिए धूप होने से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आंगन का जितना मिट्टी वगैरह है ना फट फट के उड़ जाती है। तो वैसे भी कल दिखूँगी, अगर हो सके तो कल थोड़ी सी आंगन लिप लूँगी। तो इधर से मैं बाहर का काम ख़त्म करती हूँ, एक किनार से काम करती हूँ, मतलब ऐसा करने से मतलब काम जल्दी जल्दी हो जाता है। मतलब पहले किचन का सारा सामान बाहर निकाला, फिर घर का आंगन का झाड़ू लगा ली, उसका बाद किचन लिप ली, उसका बाद बर्तन वगैरह धोने लगी। और इधर से बर्तन वगैरह धो रही थी, पतिदेव नहा धो के आए थे, चाय बनाए थे वो, और मैं तो नहीं नहा के बनाऊंगी नहीं, तो इसीलिए पतिदेव दुकान भी जाने वाले हैं और आज फ्राइडे है, तो सब काम ख़त्म करके खाना वगैरह बनाने में देर हो जाती है, इसीलिए आज पतिदेव चाय बना लेते हैं। चाय बनाने के बाद हम दोनों बैठ के यहाँ पे खा रहे होते हैं, और आगे से मतलब जे देवरानी का बेटा उसका साथ बातें करते हैं और उसे बुला रहा था कि आओ आके बिस्कुट लेके जाओ। तो वो जो है ना, उसका जब तक उसका पापा दुकान नहीं जाते हैं तब तक वो हमारे इधर आते नहीं, आता नहीं है। जब उसका
पापा चला जाता है दुकान में, उसके बाद पूरा दिन इधर में ही रहता है। तो फाइनली ये सब चाय वगैरह खा पी के मेरे पति देव चला जाते हैं दुकान और मैं लग जाती हूँ मेरे काम में। तो मेरे काम सब कुछ ख़त्म करने के बाद मैं नहा धो के आ जाती हूँ। तो फ्राइडे का दिन है, आप लोगों को मालूम है तो कितना सा ज़्यादा साफ़ सुथरा करना होता है, बहुत मतलब काम होता है। तो ये सब काम ख़त्म करते करते मैं आ जाती हूँ। तो सब काम ख़त्म हो जाता है मेरा, उसके बाद मैं आती हूँ किचन में कि मतलब सोचती हूँ कि पहले भात सॉरी चावल चढ़ा देती हूँ, मतलब खाना बना लेती हूँ, बाद में पूजा कर लूँगी। क्योंकि पति देव गए हैं, कुछ भी नहीं खाए हैं, सिर्फ चाय पी के गए हैं, तो उन्हें अचानक से भूख लग सकता है। उन्हें अचानक से भूख नहीं दोस्तों, मतलब जिस दिन मेरा मतलब खाना नहीं पकता है उस दिन उन्हें डेफिनेटली भूख लग जाता है। और जिस दिन मैं मतलब खाना वगैरह बना लेती हूँ तब उन्हें फ़ोन करके बुलाती हूँ कि खाना बन गया है, आइए आके खा के जाइए, तब मतलब वो नहीं आते, तब उन्हें भूख नहीं लगता। तो मेरा साथ ऐसा क्यों होता है मालूम नहीं, अगर आप लोगों की साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किन किन के साथ ऐसा होता है और किन किन के साथ नहीं होता है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो मतलब थोड़ा बहुत कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं कोई देख रहा है, कोई कमेंट कर रहा है ऐसा। तो एक वीडियो बनाने में काम करते हुए एक वीडियोस बनाना, फिर एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना, वॉइस कर देना, इतना कुछ करना, कितना मेहनत लगता है आप लोगों को तो मालूम होगा। तो इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ अगर रिस्पॉन्स नहीं मिले तो कैसा लगता है दोस्तों। तो इधर से मैं दाल चढ़ा देती हूँ और चावल चढ़ा देती हूँ, और दाल के साथ ये बना मतलब सब्जी बनाने के लिए मैं पत्ता गोभी आलू टमाटर ये सब काट लेती हूँ, मतलब सब्जी बनाने के लिए। तो उधर से मैंने दाल चढ़ा के सब्जी चढ़ा के आ जाती हूँ पूजा के बर्तन लेके धोने के लिए। तो उधर से सब्जी बनी रही थी तो, और इधर से मैं आ जाती हूँ पूजा की सामान मतलब बर्तन वगैरह धोने के लिए। और ये सब बर्तन मतलब कल जो पूजा की थी वही, तो फूल वगैरह मैं इधर से उधर फेंकती हूँ, मतलब जहाँ तहाँ नहीं फेंकती हूँ, एक पेड़ किसी भी पेड़ के नीचे फेंक देती हूँ, जहाँ मतलब कोई उसे मतलब कुछ लेना। तो इसीलिए तो यहाँ एक कटहल का पेड़ है मेरे पीछे तरफ, आप लोग देख सकते हो, उसमें पान का पत्ता भी मतलब लगाया हुआ है कटहल का पेड़ के नीचे। तो वहीं पे फूल सब पूजा करना वाला फूल सब वही फेंक देती हूँ, अगर उधर उधर फेंकूँगी तो कोई कुछ लेगा तो पाप मुझे ही चढ़ेगा। और वैसे भी वहाँ पे तुलसी पत्ता पत्ते वगैरह रहते हैं, तुलसी पत्ते भी हमें कुचलना नहीं चाहिए। और इधर से बर्तन वगैरह मैं धो लेती हूँ, तो वीडियोस तो पूरा ही करती हूँ, फिर मतलब इतना बड़ा हो जाता है वीडियो, फिर काट काट के शॉर्ट करके थोड़ा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इधर से लेके धो के पूजा करने के लिए पानी वगैरह बर्तन वगैरह ले जाती हूँ, ले जाने के बाद थोड़ी सी फूल उठा लेती हूँ मतलब तुल लेती हूँ, तुलने के बाद पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और इधर से देखिए मेरा पूजा करना भी हो गया है, और सब कुछ दिखाने से मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इधर खाना साना बन गया था, पूजा वगैरह कर ली थी, और इधर दुकान जाने के लिए इंतज़ार कर रही, तो सामने वाले दीदी ने बुलाया था। और इधर से देखिए फूल का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, मतलब धूप गिरने पर इसका ऊपर मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है देखिए। तो फाइनली आ जाते हैं पति देव, उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा के, पति देव भी खाना खा लेते हैं, मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद हम दोनों निकल जाते हैं दुकान के लिए। और दुकान जाने के बाद मेरा थोड़ा सा काम रह गया था थोड़ा सा काम, पिछले काल आके मैं थोड़ी सी करके गई थी और थोड़ी सी रह गई थी, शाम हो गई थी और मतलब बिजली भी चली गई थी इसलिए मैंने नहीं की थी। तो इधर से मैं वो काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद मतलब इतना ही गर्मी हो रही थी क्या ही बताओ। मेरे दुकान में एक फ़ैन है लेकिन उसका जो मतलब बोर्ड है ना जिसमें लगा कि मतलब चलेगा फ़ैन, वो बहुत दूर में था, और फ़ैन का मतलब
मैं जहाँ पे बैठी थी वहाँ तक ला सकूँ ऐसा नहीं था। टेबल फ़ैन था और सीलिंग फ़ैन है नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और गर्मी के मारे मेरा हालत ही ख़राब हो रही थी। उसका बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, उसका बाद मैं चली जाती हूँ पतिदेव के साथ मार्केटिंग करने। तो उधर से देखिए शिव गौर जी जा रहे हैं बारात लेके, तो मार्केट में उधर से जा रहे हैं, तो इधर से हमारा मार्केटिंग हो जाती है। सब्जी वगैरह ख़रीदने के बाद मैं जाती हूँ कपड़े की दुकान में, मेरे लिए 2 नाइटी लेती हूँ। तो पहला बैसाख आने आया है तो हमारे यहाँ कपड़ा लेना होता है, तो मैंने कहा कि मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मेरा नाइटी सब पुराना हो गया, तो मुझे 2 नाइटी दिला दीजिए। तो उन्होंने मुझे नाइटी दिला दी, तो पतिदेव मुझे साड़ी खरीद देने का चाहे थे, मतलब उन्हें वो मतलब साड़ी मेरे लिए ख़रीदना चाहते थे। और मैंने कहा कि मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे नाइटी चाहिए, तो 2 नाइटी लेके देते हैं मुझे और मैं लेके आ जाती हूँ फाइनली घर में। घर में आने के बाद पतिदेव मुझे छोड़ के चले जाते हैं दुकान, खाना वगैरह खा के, और उसका बाद आके घर में बहुत सारा काम होता है, वीडियो एडिटिंग करना, ये करना, वो करना, ये सब करके मैं बहुत कुछ काम ख़त्म कर ली थी, आप लोगों से शेयर नहीं की थी। और उसका बाद फाइनली शाम हो जाती है, शाम होने के बाद ये सब्जी वगैरह जो आज सुबह मार्केट से लाई थी, मतलब वही सब यहाँ पे अच्छे से रख देती हूँ सजा के, क्योंकि कैरी बैग के अंदर में रहता है तो मतलब सड़ जाता है और अच्छा नहीं रहता। और बहुत सारा सामान है जो फ्रिज में रखूँ तो ना, मतलब कैरी बैग में डाल के रखना चाहिए, तो मेरे यहाँ पे फ्रिज नहीं है, मेरे मायके में था तब मैं तो वैसे रखता था, तो यहाँ पे तो मेरी फ्रिज है नहीं, तो क्या ही करूँ, तो मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। तो दोस्तों मुझे ऐसा बहुत कुछ सामान का मतलब आदत था जो अब मेरे पति देव के घर में नहीं है, फिर भी काम चलाना पड़ता है और चला लेती हूँ, पता नहीं कब सब कुछ बनेगा मेरे नसीब में। तो इधर से देखिए सब्जी वगैरह मैं इस तरह से सजा लेती हूँ। उसके बाद मैं बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ कि लाइट के सामने ये देखिए जो पोका है ना, इसको हम लोग उल्लू कहते हैं, तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे नहीं पता, हम लोग बंगाली में उल्लू पोका बोलते हैं। तो इधर से देखिए इतना सारा निकला था, और ये मतलब जब धूप होना होता है ना, ज़्यादा धूप होना होता है तब निकलता है, तो कल भी शायद बहुत ज़्यादा धूप होगा। तो इधर देखिए इतना ज़्यादा उल्लू निकला है ना, और इधर से इतना मेंढक निकल आए हैं कहाँ से मालूम नहीं, ऐसे घर में एक भी मेंढक नहीं दिखता कभी भी, लेकिन आज इतना सारा मेंढक आया है कि क्या ही बताओ, इनका तो मौज है आज पूरा, मतलब पार्टी कर रहे हैं, एक नहीं 4-5 है, बहुत सारे आ गए हैं। और इधर से फिर मेंढक वगैरह को देख के मैं लग जाती हूँ खाना पकाने के लिए, और खाना तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ बनाना, तो लास्ट में थोड़ी सी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इधर से देखिए मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाया, सब कुछ सब्जी थोड़ा थोड़ा करके डाल के, और दिन का दाल था, और इधर से टमाटर करेला ये सब मैं बॉईल कर लेती हूँ, ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी चटनी बना के खाऊँगी। तो दोस्तों देखिए मेरा घर का हालत कितना बुरा है, इधर देखिए मेरे भतीजे लोग मतलब देवरानी का बेटा लोग आके खेल के गए, तो बिस्तर का हालत ख़राब करके गया है। और इधर से देखिए मैंने ढेर सारे कपड़े निकाले हैं, ये सब मतलब कल सुबह मुझे धोना है, तो इसीलिए मैं इसे मतलब आलना के ऊपर से निकाल के यहाँ पे रखी हूँ, क्योंकि कल मुझे सुबह सुबह धोना पड़ेगा, इसीलिए कल चुन नहीं पाऊँगी कौन कौन सा गंदा है कौन कौन सा अच्छा है, तो इसीलिए अभी निकाल के यहाँ पे रखती हूँ मैं। और उसके बाद खाना वगैरह मैंने बना ली है दोस्तों, खाना वगैरह मैंने बना ली है, बनाने के बाद यहाँ मैं बैठी हूँ, दुकान से आने के बाद घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं मतलब वीडियो एडिटिंग करके सेव करने के लिए छोड़ देती हूँ, तो उसके लिए मतलब मैं बाकी काम मतलब शेयर नहीं कर पाती आप लोगों के साथ, यही बोलूँगी, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करके मैंने मतलब सेव होने के लिए छोड़ दी थी, उसके बाद काम में लग गई थी, उसे कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। उसके बाद शाम हो गई थी, शाम होने के बाद खाना वगैरह भी बना ली है, और खाना वगैरह बनाने के बाद लास्ट टाइम आप लोगों को थोड़ी सी दिखाई है क्या बनाया है क्या नहीं। मैं बैठी हूँ और अभी पति देव आने वाले हैं, फिर खाना वगैरह खा के हम लोग सो जाएंगे, और
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं करते हो यार, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए ना मुझे। मतलब मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप लोग जैसे वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा टच करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और आप लोग तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। और आप सभी को राम राम।